गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज हम पाठ 9 का भाग 3 करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? कान, त्वचा, आंख, रसना, रसना मीन्स जिह्वा, जीव और नाक। इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना प्रत्याहार है। कैसे? एक उदाहरण द्वारा समझा गया है। जैसे कि कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही मनुष्य को भी अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय करना चाहिए। नेक्स्ट है धारणा। शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा कहलाता है। इससे चित्त एकाग्र होकर, चित्त मीन्स मन, एक जगह निश्चित होकर के श्रवण और चिंतन शक्ति बढ़ती है। यानी कि हम मन को एक जगह लगा लेते हैं तो हमारी याद करने की शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट ध्यान। पांचों ज्ञान इंद्रियों के विषयों से मन को अलग कर लेना और एक ही विषय यानी के केंद्र बिंदु पर लगाना ध्यान कहलाता है। उसके बाद देखिए समाधि। समाधि क्या है? मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना समाधि की अवस्था में वस्तु आत्मा का परमात्मा का यथार्थ अनुभव होता है। योग के इन 8 साधनों से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हमें काम करने में कुशलता प्राप्त होती है। योग का फल है कर्म करने में कौशल। यानी कि क्या कहा गया है? देखिए, योग कर्मेशु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशल होना ही योग है। तो बच्चों, आप इस पाठ का अध्ययन करेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।